गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल जल्दी से आ जाइए, गुड आफ्टरनून। जी सभी जल्दी से एक बार आ जाएं लाइव, फिर हम आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा क्लास का टाइम चेंज है तो आज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी दिक्कत रही होगी जहाँ तक मेरा मानना है। जी हाँ बिल्कुल दिक्कत है, एक बार हम अपनी क्लास को शेयर कर दें ताकि आज स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आएगी। भाई ये बात सही है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपनी क्लास है। हाँ जी बिल्कुल, एक बार जल्दी से लाइव आ जाए सारे स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। भाई क्लास का टाइम आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण चेंज हुआ है, बाकी कल से वही अपना 10-10 का टाइम होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कोशिश की गई थी कि सही टाइम शो हो, तो जब क्लास बन रही थी तब तो टाइमिंग सेम था लेकिन पब्लिक को थोड़ा टाइमिंग अलग दिखाई दे रहा था, उसका भी पता नहीं क्या सिस्टम है। तो फिलहाल क्लास इज़ गोइंग ऑन, यहाँ से बिल्कुल क्लास अपनी गोइंग ऑन है। एक बार आप सभी बच्चे जिन जिन के कॉन्टेक्ट में हैं उन सभी बच्चों को बोल दें क्लास को शेयर कर दें, मतलब। जी हाँ तो स्टार्ट करें भाई, चलिए। हाँ जी गुड आफ्टरनून जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे पहले। माया धाकर गुड आफ्टरनून। नहीं जी बिल्कुल, टाइम अपना है 10:10 का, कोई टेक्निकल इशू था जो मुझसे सोल्व नहीं हुआ दिन में, तो इस वजह से क्लास का टाइम मुझे चेंज करना पड़ा है भाई। अदरवाइज टाइम इज़ फिक्स फॉर द क्लास और टाइम बिल्कुल सेम है, ठीक है। 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके। हाँ जी बिल्कुल, ये लो एकदम सही हुआ टाइम। जी हाँ सभी एक बार क्लास को शेयर कर दे भाई, फिर हम बिल्कुल कंप्लीट करते हैं और अपना सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने बोला सीधा कि हम नरेशन वाले पार्ट को डील कर रहे थे मेरे भाई, नरेशन। और नरेशन वाले पार्ट में नरेशन, या इसी को मैंने किस नाम से कहा था, रिपोर्टेड स्पीच, या फिर इसी को किस नाम से कहा गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये लीजिए, कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ इसको, ये लीजिए, प्रॉपर नज़र आ रहा है भाई सभी को अब। चलिए इसके अंदर आज जिसको हम डील करेंगे वो होगा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस। क्या होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी बात कर लें भाई। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि इस टाइप के सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई भी पर्सन किसी को, क्या बोलने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर कोई भी पर्सन किसी को ब्लेश करता है, आशीर्वाद देता है, किसी के लिए विश करता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, या किसी को श्राप देता है, तो वो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब हुआ कि जो प्रार्थना, कामना, इच्छा जिन सेंटेंसेस में की जाती है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जी सरकार। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होगा, किसी के लिए विश करी जाएगी, किसी के लिए ब्लेस आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी के लिए प्रे प्रार्थना करी जाएगी, किसी को कर्ज श्राप दिया जाएगा, कर्ज यानी श्राप देना, किसी को क्या दिया जाएगा भाई, श्राप दिया जाएगा, पहली बात। अब देखिए इन सेंटेंसेस के, जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आता है तो इनमें क्या चेंजेस होते हैं, कैसे हमें पता चलना होता है कि अब कैसे इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, राइट। तो कैसे बनेगा सुनिए, जो सेड टू होगा वो सेड टू काई में चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि विश का अगर भाव हुआ या विश का सेंस हुआ तो विज्ड में, ब्लेस का सेंस हुआ तो ब्लेस्ड में,
प्रे का सेंस हुआ तो प्रेड में, और कर्ज का सेंस हुआ तो कर्ज्ड में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? सेट टू। तो पहली बात अपने दिमाग में ये आई कि अगर सेट टू किस में चेंज होगा, अगर गिवन सेंटेंसेस हमें सेंस दे रहा है विस का तो विस्ड में, ब्लेस का तो ब्लेस्ड में, कर्ज का तो देन कर्ज्ड में, और प्रे का देन प्रेड में। जी बिल्कुल। हाँ जी सर, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्लास शेयर कर दे भाई एक बार, आज बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे पूरे क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हुआ था। चलो कोई बात नहीं है, आज की क्लास दबा के शेयर करना भाई ताकि सब तक पहुंच जाए, वरना क्लास डाउन रह जाएगी। चलिए इसके बाद देखिए जो कनेक्टिव का यूज होगा, कनेक्टिव मेरा आएगा दैट। सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग वो किससे होगी? सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी मैं से, काई से, मैं। लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इस मैं को किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहां से मैंने एक एग्जांपल दिया भाई, ये लीजिए एग्जांपल नंबर वन। माई फादर सेड टू हिम, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। देखिए ये सेंटेंस आ गया अपना। अब सबसे पहले ये कैसे पता लगे कि सेंटेंस जो गिवन सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है? तो पता लगेगा इसमें से, इसमें से पता लगा कि गिवन जो सेंटेंस हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हुआ। अब इंटरोगेटिव भी हो सकता था क्योंकि मॉडल क्या होता है? मैं होता है। लेकिन अगर मैं इंटरोगेटिव में है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता। अगर ये मैं मॉडल की जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा होता तो लास्ट में यहां पर क्या होता? क्वेश्चन मार्क होता। लेकिन लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपको ये वाला साइन मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो इससे इस बात का पता चल गया कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। माई फादर सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, मेरे पिताजी ने उससे कहा मे यू लिव लॉन्ग कि तुम लिव लॉन्ग, चिरंजीवी रहोगे, ज्यादा जीओगे। तो यहां से मेरे पिताजी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहां से माई फादर ऐसा का ऐसा, ब्लेस्ड, ये ब्लेस्ड में बदलेगा क्योंकि आशीर्वाद दिया है उन्होंने हिम, तो ब्लेस्ड में बदल गया। इसके बाद कनेक्टिव क्या आएगा? मेरा डेट आएगा। अब पहले मैं को सोल्व करूंगा या यू को सोल्व करूंगा भाई? पहले मैं को सोल्व करेंगे या यू को सोल्व करेंगे? यू को पहले सोल्व करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। मैं को किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। माइट लीव लॉन्ग, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या बना भाई इसकी इनडायरेक्ट जो स्पीच बनी है वो क्या बनी है? जी हाँ, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं। नरेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इस टाइप के सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई विश का भाव हो, कोई ब्लेस आशीर्वाद हो, प्रे प्रार्थना हो, कर्ज किसी को श्राप दिया जा रहा हो, तो वो काय में आते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। इनका इफेक्ट क्या होगा? अगर भाव या सेंस आपका विश का है तो सेड टू विज्ड में बदलेगा, ब्लेस का सेंस है तो ब्लेस्ड में बदलेगा, प्रे का सेंस है तो प्रेड में बदलेगा, और कर्ज का सेंस है तो कर्ज्ड में बदलेगा। कनेक्टिव क्या आएगा इसका? डेट कनेक्टिव आएगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग मैं से होगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? मैं से। लेकिन इंटरोगेटिव हुआ तो वहां पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ध्यान रखना। तो मैं को किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था कि माई फादर सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ये मैंने एग्जाम्पल दिया भाई। तो माई फादर ब्लेस्ड हिम, मेरे पिताजी ने उसको ब्लेस कर रहे हैं यहां पर, तो ब्लेस्ड हो गया। दैट कनेक्टिव आ गया, यू को सोल्व किया तो ही, मैं किस में बदलेगा? माइट में। लिव लॉन्ग ऐसा का ऐसा आ गया भाई। बात समझ में आ गई ये सारी? तो जल्दी से थंब का निशान सेंड कर दे मुझे, मैं एक बार आप सभी के माई फादर ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। बिल्कुल सही है मनीषा वर्मा जी,
संध्या वर्मा जी, कल्पना जी, राठौड़ साहब, बिल्कुल सही। कल की क्लास का टाइम वही 10:10 रहेगा भाई। आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा बिगड़ गया था, कोई बात नहीं है, सेम टाइम रहेगा। चलिए साहब, एक और एग्जाम्पल दिया मैंने, दे सेड। अब देखो जरूरी नहीं कि सेड के बाद टू आए, दे सेड मे ही लिव लॉन्ग। अब देखो यहां पर ब्लेस भी किया जा रहा है और प्रे आशीर्वाद भी दिया जा रहा है, एक ही बात है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दे ब्लेस्ड या फिर क्या कर दूंगा मैं यहां पे प्रेड, कनेक्टिव क्या आएगा इसका, दैट ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, नो चेंज रहेगा। मैं किस में बदलेगा, माइट में, और लिव लॉन्ग ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा जी। कोई बात नहीं है शिव मीणा जी, जी बिल्कुल। कल से वापस टाइम 10 का ही रहेगा, आज कोई प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आया। दे ब्लेस्ड, अच्छा जी, देट ही माइट लिव, बिल्कुल सही है सराज लेट। चलिए सर बड़े आगे की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए हो गया, अब मैं इसे रफ कर देता हूं और कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, जिनके सॉल्यूशंस आप मुझे सेंड करेंगे। ये लीजिए, यहां से मैंने सीधा हटाया इनको और यहां से आपके लिए एग्जाम्पल बनके तैयार है। पहला एग्जाम्पल आ गया भैया आपके लिए, ये लीजिए, राम सेड टू हिम मे ही गो टू हेल। He said, "May he pass the exam." Monica said to Ram, "May Mohan come today." बताए साहब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा जहां तक मेरा मानना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है भाई, मैं बिल्कुल आपके कमेंट चेक कर लेता हूं एक बार, सभी प्रॉपर चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। फोर्थ सेंटेंस देखिए, रजत said, Rajat said, may he, may you, may you crack the exam. Ram said, "Good morning, good morning, sir, good morning, sir." बनाइए जी बिल्कुल, इन सभी के बनाइए, क्या बनने वाले हैं जल्दी करें आप। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दे आर फाइव सेंटेंसेस। आराम से इन सभी के आंसर सेंड करें भैया आप मुझे, मैं साइड हो जाता हूँ बिल्कुल। राम कर्स डिम दैट ही माइट गो टू हेल, ही विज दैट ही माइट पास द एग्जाम, ही प्रेड दैट ही माइट पास द एग्जाम। अच्छा जी,
चलिए आगे सभी के आंसर्स मेरे पास, बहुत अच्छा। बढ़िया है भाई, अच्छे तरीके से आंसर्स आने लगे हैं। राम विज्ड, सही बात है। चलिए आओ, मे ही गो टू हेल, तो राम कर्ज्ड हिम दैट, थर्ड पर्सन ही में गया माइट में, ही माइट गो टू हेल। ही सेड मे ही पास द एग्जाम, ही प्रेड that he might, wisdom में भी बदल सकता था, pass the exam। ठीक है साहब, मोनिका said to राम, may मोहन come today, मोनिका wished राम that मोहन माइट कम दैट डे, टुडे भाई दैट डे में हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका देखते हैं। विज्ड दैट सेकेंड पर्सन, रजत सेड टू मी, अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर मी मान लेते हैं या हिम मान लेते हैं, मी मानेंगे तो आई में बदल देंगे और हिम मानेंगे तो ही में बदलेंगे। माइट क्रैक दी एग्जाम, अब ये ऐसे वाले कैसे करेंगे कि राम सेड गुड मॉर्निंग सर, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे बताए भाई, जल्दी करें बताएं भाई। जब भी यहां पर ये गुड मॉर्निंग सर या मैडम, ये सर या मैडम आता है तो इधर हम करेंगे राम रेस्पेक्टफुली, अब ये सर या मैडम होता है तो इधर क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, तो राम रेस्पेक्टफुली विज्ड, राम रेस्पेक्टफुली विज्ड। अब देखो राम ने अगर किसी ने किसी को रेस्पेक्ट किया है तो यहां पर मी होगा, यहां पर कोई ना कोई मी तो होगा ना भाई, या बिना मी है, मी तो कोई ना कोई तो राई होगा ना यहां पर, या नहीं है, बिल्कुल विज्ड, और डायरेक्ट हम कर देंगे गुड मॉर्निंग, डायरेक्ट क्या कर देंगे गुड मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को हम चाहते तो कैसे बना लेते, हम ऐसे ही बना सकते थे कि राम रिस्पेक्टफुली विज्ड मी, यहां मैं मी भी जोड़ सकता हूं, मैंने मान लिया कि यहां मी था, और मैं यहां कर सकता हूं गुड मॉर्निंग, ये लिख दिया मैंने गुड मॉर्निंग, तो दोनों तरीके से बन जाएगा। अगर सर या मैडम दिया जाता है तो सर या मैडम होता है तो वहां रिस्पेक्टफुली कर देते हैं, और उसके बाद विज्ड लगा के जो भी विश किया है वो लिख देते हैं, तो गुड मॉर्निंग वाला तो ऐसे होगा जी, बिल्कुल आ गया होगा आपके समझ में। चलिए हाँ भाई, रेडी है सबका, रिस्पेक्टफुली विज्ड गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही बात है रितिका जांगिड़ जी। अगर कोई भाई नया स्टूडेंट है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जी, बिल्कुल जल्दी करें। चलिए साहब, अब मैं रफ कर देता हूँ इसे, ये अपना
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पूरा हुआ, इनके मैंने 5-6 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, इसके बाद क्या बचता है वो आप मुझे बताएंगे। एक अपना बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये लीजिए। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग साहब जी, गुड मॉर्निंग। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राम सिंह जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, विस्ट भी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है भाई। चलो जी, चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, सडन फीलिंग्स, मतलब अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स होती है, अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स होती है वो एक्सक्लेमेशन होती है। अब इसमें कौन कौन सी हो सकती है, उर्रे, अलास, ब्राव, ओ, ये इसका साइन है, एक ये भी आपको कभी कभी मिल सकता है। तो देखिए इसमें कई सारे वर्ड है, अल्लास हुआ, अल्लास के बाद आपका हुर्रा हुआ, हुर्रा के बाद अल्लास हुआ, ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिल सकते हैं। अब ये किसका बताएंगे किसका नहीं बताएंगे वो है, जैसे ये साइन देंगे भाई, ये इनका सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे ये जॉय को बताएगा, ये सोरो को बताएगा, ये डिलाइट को बता देगा, अपलेट को बताएगा, या आपका डिलाइट को बताएगा, और या आपका वही एक दुख को बता देगा, सोरो को बता देगा। ठीक है साहब, तो ये बात तो आपकी समझ में आएगी जी, बिल्कुल। ओ एच कर लें इसको सरप्राइज में, ओ एच, एच भी लगाया भैया, या रिग्रेट, हुर्रा भी हो जाएगा, अल्लास भी हो जाएगा, ब्राव भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा, और आह भी हो जाएगा। फिर इनकी स्टार्टिंग वाटर से भी होती है, वाटर, हाउ से भी होती है, हाउ, जैसे वॉट अ ब्यूटिफुल कार, वॉट अ ब्यूटिफुल कार। फिर मैंने लिखा वॉट अ हैंडसम बॉय, वॉट अ हैंडसम बॉय, हाउ हाउ लक्की आई एम। तो देखो ये वॉटर से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हाउ से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच। ये देखिए ये वाला निशान यहां आ गया, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास, आई एम रूइंड, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा अलास ही इज नो मोर। कुल मिला के सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। इसके बाद जैसे ओ आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, तो ये कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। जैसे इसमें अल्लास मिल गया, असुरी हुर्रा मिल गया, अल्लास मिल गया, अल्लास मिल गया, ओहो मिल गया, इधर अपने को वाटर मिल गया, हाउ मिल गया, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या बताएंगे कि जो गिवन सेंटेंसेज है ना वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, ये हमें ये बात बताएंगे। अब ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, हमें पता चल गया, इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, अब उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सेड टू किस में बदलेगा, सेड टू अगर आता है तो वो किस में बदलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए वो किस में बदलेगा,
वो आपका होगा या तो अकेला एक्सक्लेम्ड में ही बदले, या फिर आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय का सेंस है तो जॉय में बदलेगा, सोरो का सेंस है तो सोरो में बदलेगा, सरप्राइज का है तो सरप्राइज में बदलेगा, तो जिसका सेंस है उसमें बदलेगा। एक्सक्लेम्ड करते हो तो भी ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद आपका यहां से सीधा देखेंगे तो सरप्राइज कर दे, सोरो कर दे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दे, तो यहां से जो भी सेंस होगी वो उसमें बदलेंगे। अब बात आती है इसकी कनेक्टिव की, कि इसमें कनेक्टिव क्या होता है। तो इसका जो कनेक्टिव होता है वो इसका कनेक्टिव यूज होता है दैट। कनेक्टिव क्या यूज होता है इसमें? दैट यूज होता है। तो इसमें मैंने सारी बातें बता दी, एक बार देख लो आप इन सबको, जल्दी से देखें, टेक योर टाइम। हम जैसे आप देखते होंगे ओ माय गॉड बोलते हैं, माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भी क्या है? वही है, सडन फीलिंग हो रहा है। तो इसमें देख ले आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होते हैं, सडन फीलिंग्स। आज इनके बारे में हम सोच कर नहीं जाते पहले से कि आज मैं ओ माय गॉड बोलूंगा, ओ माय गॉड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अचानक से विचार निकलते हैं। किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? वाटर से भी शुरू हो सकता है, हाउ से भी शुरू हो सकता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ हैंडसम स्टेप, हाउ लक्की आई एम, एंड यहां से हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास आई एम रूइंड, अलास ही इज नो मोर, ओ आई हैव कट माई फिंगर। तो ये देखो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ये हुर्रा हो तो जॉय का सेंस है, अलास सोरो का है, ब्राव अपलोड का है, और ओ सरप्राइज का है, रिग्रेट का है, ओ ये आपका डिलाइट का है, ये वाटर हाउ आता है, ये भी आपका सरप्राइज का होगा। किसका होगा? ये भी आपका सरप्राइज। ठीक है, तो मैंने दिया आपको रूबरू करा दिया कि इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी इसकी हम बात कर लेते हैं विद एग्जाम्पल। तो जल्दी से एक बार नोट कर ले इसे, फिर मैं आपको बताता हूं। भाई जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे अच्छे से, जी बिल्कुल सभी करें, जो न्यू है वो चलिए अब मैं रफ कर देता हूं, या आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भाई अब मैंने इसे कर दिया रफ, अब देखिए अब इसकी एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, द कैप्टन सेड हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। इसके बाद फिर मैंने लिखा द कैप्टन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। रोहन सेड अलास आई एम रूइंड, मोनिका सेड अलास ही इज नो मोर। चलिए भाई बनाए जल्दी से, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बनाए। एक और लिख लें, राम सेड ब्राव यू हैव डन वेल।
ब्राव यू हैव डन वेल। इसमें देखो हुर्रा आ गया, अल्लास आ गया और ब्राव आ गया। ब्राव अगर आता है तो सेट टू किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड, ए डबल पी एल ए यू डी ई डी। जी बिल्कुल, चलिए सरकार जल्दी बताएं किस में बदलेगा, जल्दी से आंसर सेंड करें, मैं साइड हो जाता हूं। जी बिल्कुल आ गया होगा, चलिए सर क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सामने थे और आपके आंसर्स मेरे पास कुछ के आए कुछ के नहीं आए और टाइम समाप्त हुआ आपका। अब मैं बात कर लेता हूं, उर्रा तो ये जॉय का है, तो द कैप्टन exclaimed with joy, connective क्या आएगा that, we first person है, subject के अनुसार बदलोगे यहां पर the captain, और अगर the captain के according आपने अगर he या she में बदल दिया तो आपका sentence क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। क्यों, the captain said, captain ने कहा hurrah we have won the match, हम match जीत गए, तो कैप्टन मैच जीता है या पूरी टीम मैच जीती है, पूरी टीम मैच जीती है, तो वी यहां पर ही या सी में नहीं जाएगा, दे में जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें जब भी वी को बदलना हो, जब भी आपको वी को चेंज करना हो, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, जब भी आप वी में बदलोगे वी के पास मात्र एक ही चीज है बदलने के लिए, केवल दे, बिना सोचे बिना समझे आप वी को दे में बदल दे, तो यहां पर दे। अब यहां पे हैव, हैव बदलेगा हेड में, वॉन द मैच फुल स्टॉप, पहला भाई ठीक है। राधे राधे जी बिल्कुल, राम निवास जी, इसका मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब मान लो जॉय वाला तो हमने पहले कर लिया, पर इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं कि द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, बस एक्सक्लेम्ड तक इसी मित्र रख दो, आगे मत लिखो, विद जॉय करना चाहते हो तो भी कर दो, तो ये यहां से दैट हो जाएगा, वी वो ही बदलेगा तो दे में, वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड वॉन द मैच, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है सर। इसके बाद इस चीज को हम देखेंगे, तो रोहन एक्सक्लेम्ड पूरा बदलेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट कनेक्टिव, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है अपना रोहन है, इज एम आर बदलता है वोज वर में, तो वोज, ये हो गया मेरा रिंट फुल स्टॉप। क्यों भाई बढ़िया है यहां तक की बात, मोनिका एक्सक्लेम्ड, अगर मुझे विद सोरो नहीं करना तो नहीं करूंगा, ऑप्शन देख लेना आप, दैट ही वॉज नो मोर, ही वॉज नो मोर, इसमें वॉज नो मोर क्यों आया भाई, क्योंकि ही थर्ड पर्सन था तो नो चेंज रह गया, इज एम आर वॉज वर में बदलेगा ही बदलेगा। अब ये देखना है, राम चलो इसको आप बनाओ एक बार, मैं फिर बताऊंगा, इसमें ब्राउ वर्ड आया है, आप बताओ इसमें कैसे बताऊंगा, बताओ भाई जी बताइए। तो यहां से सीधा राम, और ये ब्राउ जब आता है जब किस में बदलता है, यहां लिख दूं, अपलेडेड, ताली बजाना स्वागत करना या कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो राम
अपलेडेड या कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल सकता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेटेड दैट के बाद बताओ काय में होगा, बाकी तो सब सेम है भाई, है या नहीं है? यू थर्ड पर्सन, मी के अनुसार आई हैड डन वेल। इसको कोई ऐसे बनाना चाहेगी, राम एक्सक्लेम्ड विद अपोलेट भी हो जाएगा, ए डबल पी एल ए यू डी, ऐसे भी हो जाएगा कि राम एक्सक्लेम्ड विद एप्लूड दैट आई हैड डन वेल, क्योंकि हैज़ वो किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। बात आ गई भाई समझ में यहाँ तक की? अगर किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से पूछे यहाँ तक, मैं बिल्कुल कमेंट पे आ गया अब वो भी बड़ी नज़दीकी के साथ। दैट दैट वॉन द मैच राम निवासी आई हैव डन, अच्छा जी बिल्कुल सही बात है, अगर किसी की कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताए भाई। आई कैसे आया सर? भाई यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ तो मी मान लेता हूँ, माना मी है तो मैंने मी मान के कर लिया तो मुझे आई करना पड़ेगा। अगर मैं हिम मान के करता हूँ, हिम मान के करता हूँ तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मी मान रहे हो या हिम मान रहे हो या अपनी इच्छा से मान लो और कर लो उसको। यू सेकंड पर्सन है शिव मीणा जी, थर्ड पर्सन नहीं है, किसने कहा है? जी बिल्कुल जी अनुप्रिया सिंह जी, किसका रिकेप देना है, कौन सा क्वेश्चन है बताइए, जल्दी बताएं कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप दोबारा से बताना है आपको। बताएं साहब जल्दी बताएं, हाँ सर जी बुक कौन सी ले एक्सरसाइज, अरे भाई मैंने इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रखी है, 100-100 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, मार्केट में किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, बढ़िया आराम से करें। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी मान लेंगे तो आई में बदल देंगे, हिम मानेंगे तो फिर ही में हिम मानेंगे तो ही में बदल देंगे। तो मैं भाई रफ कर दूं एक बार, जल्दी से मुझे ऐसा थम का निशान सेंड कर दें अगर आपकी ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो, थम का निशान सेंड कर दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई, जल्दी करें। सर इसमें प्रेज भी तो हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है संध्या वर्मा जी, प्रेज कर दीजिए, वो डिपेंड है आपके ऑप्शंस के ऊपर, बता दिया है मैंने जी। बुक नहीं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज सोल्व की है, प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं 150-150 क्वेश्चंस के, आप उनको तो कीजिए पहले जी। मेरे पास थम के निशान आ गए, इसका मतलब मामला मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है भाई, बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? चलिए साहब, नहीं साहब नहीं है, गलत नहीं है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए देता हूँ। अब ये मैंने हुर्रा का दिया है, अल्लास का दिया है, ओ का दिया है, इनमें एक दो वर्ड और है, जैसे आपका अगर उहू लिखा हुआ आता है ये पेन को बताता है, दुख को बताता है, ये पेन या दुख को, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं किसी के लग जाती है जब भी तो बोलता है भाई वो, तो वही बात है, ये लीजिए। तो बिल्कुल अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए, क्वेश्चन ऐसे बने कि रजत सैड व्हाट अ ब्यूटिफुल कार, लो
तो अब समझना है कि वॉट अ ब्यूटिफुल कार इसका मतलब क्या है। वॉट अ ब्यूटिफुल कार, कितनी खूबसूरत कार है, कार बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है भाई, इसका बनाएंगे तो रजत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये सरप्राइज में क्यों बदला मैंने, क्योंकि मुझे यहां कौन सा वर्ड मिल गया, वॉटर मिल गया। जब वॉटर मिला हुआ था तो मैंने विद सरप्राइज कर दिया, तो मतलब वॉटर का काम तो खत्म हो गया। कि रजत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसके बाद मुझे कनेक्टिव लगाना था दैट। ठीक है, कनेक्टिव लगाना था मुझे दैट। लास्ट ही लास्ट में वर्ड क्या आया है, कार। अब ये कार तो कोई वस्तु है, नाउन है, तो सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टिव तक तो हो ही गया, कनेक्टिव के बाद क्या करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत जो लास्ट में नाउन है, उस नाउन से पहले द लगाकर करेंगे। क्या लगाकर करेंगे, द। इसका मतलब दैट द कार। ठीक है, दैट द कार। लास्ट में कार है तो द कार, लास्ट में पिक्चर है तो द पिक्चर, लास्ट में टेलीफोन है तो द टेलीफोन, लास्ट में मोबाइल है तो द मोबाइल। सिंगुलर है तो वॉज लगाए, वरना प्लूरल लगाए। तो दैट द कार वॉज, वॉज के बाद वेरी लगाए भाई, वॉज के बाद क्या लगाए, वेरी लगाए। उसके बाद वेरी क्या बचा है वो लिख दे, तो ये भी गया और ये कार भी लिख दिया, तो बचा क्या है, केवल ब्यूटीफुल। तो वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वॉज वेरी ब्यूटीफुल लिख देंगे। अब एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, आप लिखेंगे। राहुल सेड वॉट अ, वॉट अ डर्टी पिक्चर, वॉट अ डर्टी पिक्चर। हाँ साहब बताएं, अब कैसे बनेगा, जल्दी बताएं भाई कैसे बनेगा। राहुल सेड वॉट अ डर्टी पिक्चर, कोई ना भाई कोई बात नहीं है। तो यहां से देखिए वही वॉट आ गया, तो यहां से सीधा बनेगा राहुल एक्सक्लेम्ड विद विद सरप्राइज, विद सरप्राइज। कनेक्टिव क्या आ गया भाई, डेट आ गया। अब कनेक्टिव डेट आ गया तो सेंटेंस की शुरुआत द लगा के करेंगे, तो द पिक्चर वॉज वेरी, वॉज वेरी डर्टी। ये बन गया भाई। फिर देखिए मोनिका सेड, मोनिका सेड वॉट अ हैंडसम बॉय, वॉट अ हैंडसम बॉय। इसका कैसे बनेगा, बनाए जल्दी। तो ये क्या आ गया भाई, वॉट आ गया। तो इसका कैसे बनेगा जल्दी, मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और यहां से सीधा क्या करेंगे, कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। अब शुरुआत किससे करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बॉय। तो द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, हैंडसम। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, कैसा क्वेश्चन दे दूं, देखना। ही सेड वॉट अ, वॉट अ फूल यू आर। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ही सेड वॉट अ फूल यू आर। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसका जवाब आप दोगे, ही सेड वॉट अ फूल यू आर। अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूं भाई एक बार। मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। अच्छा जी, वॉट अ फूल यू आर। जी बिल्कुल बनाए, इस वाले का आंसर आप दे मुझे, क्या आंसर हो सकता है।
मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। ठीक है भाई, मैं इसका पूछ रहा हूँ कि ही सेड व्हाट अ फूल यू आर। देखो इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में नाउन था, कोई चीज़ थी, पिक्चर ये भी नाउन है, बॉय ये भी नाउन है, लेकिन ये आर लास्ट में वर्ब है। तो नाउन नाउन नाउन, तो इसका मतलब जो भी नाउन लास्ट में होता है उस नाउन से पहले द लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, उस नाउन से पहले द लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। पर लास्ट में अगर नाउन नहीं हो और लास्ट में वर्ब हो तो क्या करेंगे? लास्ट में अगर नाउन नहीं हो वर्ब हो तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, व्हाट ए, इसमें भी ए आया है, व्हाट ए इसमें भी ए आया है, व्हाट ए इसमें भी ए आया है, लेकिन जब हमने सेंटेंस बनाया तो देखो ए को नहीं लिखा। रजत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द कार वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ए नहीं लिखा। व्हाट ए यहाँ पर ए था, लेकिन राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पिक्चर वॉज वेरी डर्टी, ए नहीं लिखा। मोनिका सेड, सॉरी मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, इसमें भी हमने क्या नहीं लिखा? द नहीं लिखा। ठीक है सर, चलिए ठीक है साहब, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अब आप मुझे ये बताएंगे और इससे रिलेटेड बात करूंगा मैं आपसे कल की क्लास में। क्यों मैंने डिफरेंस बता दिए हैं और ये नाउन था और लास्ट में क्या है? ये वर्ब है। तो अब तक हमने क्या करा है? हमने वो सेंटेंसेस करे हैं जिनके लास्ट में नाउन हो और लास्ट में नाउन हो, और अब मैंने एक बताया है कि लास्ट में वर्ब हो तो क्या होगा। अब आप देखेंगे, कल मैं इस टाइप के सेंटेंसेस को और डिस्कस करूंगा आपसे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। आज सुबह की क्लास में आपने अच्छा खासा शेयर किया वीडियो को, बताया लोगों को, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो मैं आपसे फिर कल मिलूंगा। कल की क्लास का टाइम वही सेम टाइम रहेगा, 10:10 मॉर्निंग के अंदर 10:10। शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यूट्यूब की सेटिंग या हमारे कंप्यूटर की सेटिंग थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो टाइम हर कुछ शो हो जाता है। जैसे सुबह की 2 बजे क्लास होगी, ये कौन सा टाइम है भाई, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देता हूँ कि भाई टाइम इनकरेक्ट शो हो रहा है, सही टाइम क्या होगा मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आज मैंने लिख दिया था कि 1:10 पे क्लास होगी, तो बिल्कुल 1:10 पे होगी। वैसे ही कल की क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जी, आज की क्लास प्रताप सिंह चौहान जी 1:10 पे थी, कल से वही टाइम के 10:10 10:10 पे क्लास होगी कल से, नो प्रॉब्लम। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को वही टाइम दे 10:10, और टेलीग्राम चेक कर लें क्लास से पहले, क्योंकि मैं वहाँ पर क्लास पहले से ही डाल देता हूँ कि कौन सी क्लास है, कौन सा टॉपिक है, कितने बजे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। शेयर द वीडियो मोर एंड मोर। थैंक यू, बाय।